आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ दोस्तों, ये वीवो के सारे ही स्मार्टफोन आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ दोस्तों। किस स्मार्टफोन में कैसे फीचर्स हैं, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर है, कौन सा स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में आता है, ये सारे ही डाउट मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों आपके सामने सारे ही फीचर्स को लेके, आपके डिजाइन कैसा दिखता है इस स्मार्टफोन का, क्या बजट में हमें देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन, क्या फीचर्स, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रोसेसर, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। मैं इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी आपकी वीडियो ये बन जाएगी, तो इसके लिए मैं फटाफट से इन स्मार्टफोन की आपके सामने रिव्यू लेके आता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों V25 Pro स्मार्टफोन को। जी हाँ दोस्तों, इसका डिजाइन आप देख सकते हो दोस्तों कितना अट्रैक्टिव है, जो कलर चेंजिंग वाले भी फीचर्स आपको बैक में पैनल में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसमें कर्व डिस्प्ले दी गई है जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों। स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, यहीं पे जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इस जो सेल्फी कैमरा वो पंच होल में अट्रैक्टिव डिजाइन में दिया गया है दोस्तों। इस स्मार्टफोन की जो बैटरी हमें देखने को मिलती है वो 4830 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसमें आपको 44 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक ऐसे भी स्मार्टफोन को कवर करने वाला हूँ दोस्तों जिसमें मेरे को कोई भी अच्छा उस बजट के हिसाब से नहीं लगा है, तो उसके लिए आप वेट जरूर करें दोस्तों। इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा फास्ट होने वाला है 5G को देखते हुए। इस स्मार्टफोन की अगर मैं प्राइस रेंज की बात करता हूँ तो 36,000 रुपए में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है दोस्तों। इस स्मार्टफोन की मैंने प्रॉपर अनबॉक्सिंग भी कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट हम लेके आते हैं दोस्तों इसी का जो छोटा भाई हम बोल सकते हैं इसको, जो वीवो का V25 है। ये आपको 8GB रैम 128GB मेमोरी में आपको 28,000 रुपए में देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन का भी आपको काफी अट्रैक्टिव हमें डिजाइन देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें जो साइड में क्रोम फिनिशिंग दी गई है वो काफी अट्रैक्टिव प्रीमियम हमें फील होती है। इस स्मार्टफोन में भी आपको जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, यहीं पे जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों। जी हाँ, और इस स्मार्टफोन में अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ तो वो 4500 mAh की बैटरी दी गई, वहीं पे 44 वाट का फास्ट चार्जर के साथ में दोस्तों। अभी हम दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो बात करते हैं वो भी 5G स्मार्टफोन होने वाला है, वो होने वाला है दोस्तों 22,000 रुपए में आपको 5G मिलने वाला है, जो वीवो का Y75 स्मार्टफोन होने वाला है। ये आपका इसका डिजाइन देख सकते हो दोस्तों, ये थोड़ा सा ओल्ड प्रोडक्ट हो जाता है दोस्तों, जो 5G में वीवो ने काफी टाइम पहले लॉन्च किया था, बट आज भी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बिक रहा है इस प्राइस रेंज को लेते हुए। इस स्मार्टफोन की अगर मैं कीमत की बात करता हूँ तो वो 22,000 रुपए में हमें देखने को मिलता है, जो 8GB रैम 128GB मेमोरी में आपको देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वो भी 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में दोस्तों। साथ में ही दोस्तों अगर मैं रियर कैमरे की बात करता हूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, यहीं पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 6.5 इंच की डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों। इस स्मार्टफोन में दोस्तों अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करता हूँ तो वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, यहीं पे जो इसके प्रोसेसर की अगर मैं हम बात करते हैं तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 5G वाला ही प्रोसेसर इसमें दिया गया है दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट जो स्मार्टफोन की बात करते हैं वो दोस्तों वो वीवो ने अभी दिवाली के टाइम पे ही लॉन्च किया था, और ये 18,500 रुपए में आपको देखने को मिलता है, जो वीवो का Y35 स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों। इस स्मार्टफोन की अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो उसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और यहीं पे दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, यहीं पे जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इस स्मार्टफोन में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों, 44 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में, तो ये आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं जो 18,500 रुपए में, बट ये 4G स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा सोच के ही परचेज करें। अभी जो नेक्स्ट स्मार्टफोन लेके आया हूँ दोस्तों, इसकी काफी ज्यादा हाइक हुई थी, जो वीवो का T1 स्मार्टफोन होने वाला था, जो 44 वोल्ट के साथ में आपको 16,000 रुपए में देखने को मिलता है, जो 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आप रैम भी वर्चुअली एक्सटेंड कर सकते हो, इस स्मार्टफोन में भी आपको
6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहीं पे दोस्तों अगर मैं कैमरे की बात करता हूं तो इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। यहीं पे आपको जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों वो 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में एमुलेट स्क्रीन होने वाली है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है दोस्तों। अगर मैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करता हूं तो इस स्मार्टफोन में आपको 680 5G वाला प्रोसेसर दिया गया है जो काफी बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। अभी नेक्स्ट जो स्मार्टफोन लेके आया मैं दोस्तों वो इसी का छोटा भाई होने वाला है दोस्तों, जी हाँ। बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है। T1 जो सीरीज वीवो काफी अच्छे प्रीमियम स्मार्टफोन निकाल के लेके आ रही है काफी अच्छे फीचर्स के साथ में, तो ये दोस्तों वीवो का T1X स्मार्टफोन होने वाला है जो 6GB रैम 128GB मेमोरी में आपको 15,000 रुपए में देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको दोस्तों जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा सिंपल सा मेरे को देखने को मिला है। अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको जो सेल्फी कैमरा है वो आपको देखने को मिलता है दोस्तों सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। इसमें कोई एमुलेट स्क्रीन नहीं होने वाली है, सिर्फ IPS स्क्रीन होने वाली है, तो डेफिनेटली आप T1 की तरफ जा सकते हो दोस्तों। इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है जो 18 वाट के साथ चार्जर के साथ में आपको आती है। इस स्मार्टफोन में भी दोस्तों आपको मीडियाटेक का 680 प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों। इन दो T1 और T1X में दोस्तों सेम ही प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट दोस्तों वीवो के Y22, इस स्मार्टफोन की भी काफी ज्यादा हाइक हुई थी इसके डिजाइन को लेके, क्योंकि ये सिर्फ 14,500 रुपए में आपको जो 4GB रैम 64GB मेमोरी के साथ में आपको देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में भी आप वर्चुअली रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन की अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो वो 6.5 इंच की डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों जो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ में आता है। और अगर मैं इस स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की बात करता हूं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यहीं पे 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है 18 वाट के चार्जर के साथ में। ये वीवो ने ऑफलाइन मार्केट में क्यों निकाला है, क्योंकि वीवो T1X काफी बेहतर 4GB रैम 64GB में आपको मिल जाती है। यही स्मार्टफोन आपको 6GB रैम 128GB मेमोरी में भी अवेलेबल होता है दोस्तों, वो 16,500 रुपए में आपको देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन को मैं प्रीफर नहीं करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि इस बजट के हिसाब से मेरे को अच्छा नहीं लगा है ये स्मार्टफोन वीवो की तरफ से, वीवो वाले ब्रांड में नहीं आता है। अगर नेक्स्ट जो स्मार्टफोन लेके आया दोस्तों वो आप इसका डिजाइन देख सकते हो, इसमें दो बड़े से बिग लेंस दिए गए हैं वीवो की तरफ से। इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम 64GB मेमोरी देखने को मिलती है जो वीवो का Y16 है। इसी में एक वेरिएंट और आता है वीवो की तरफ से जो 3GB रैम 32GB मेमोरी में आपको देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में भी आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है, 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, ये सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलता है। वर्चुअली रैम भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है 213 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस स्मार्टफोन में दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ तो मीडियाटेक का P35 प्रोसेसर होने वाला है जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता 12,500 रुपए में। आपको अगर मैं आपको प्रीफर नहीं करता इस स्मार्टफोन को लेके, इसे काफी बेहतर आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये मैंने आपके सामने सारे ही वीवो के स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग लेके आ गया हूँ। सारे ही स्मार्टफोन के फटाफट से मैंने जो जितने ज्यादा मैंने टॉपिक कवर करने की कोशिश की वो आपके सामने मैंने सब कुछ लेके आया हूँ दोस्तों। बट आप देख सकते हो ये सारे कलरफुल डिजाइन की तरफ से वीवो काफी बेहतर अच्छा सेल्स कर पाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।